Hello everyone, welcome to the class number 10 of types of software. Last कुछ classes में हमने different types of operating system के बारे में पढ़ा था. आज हम और कुछ अलग तरह के operating system के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि different operating system बहुत ही तरह के हैं. जैसे कि last कुछ classes में हमने 5 तरह के operating system के बारे में पढ़ा था, जैसे कि single user, multi user, batch operating system, networking operating system and distributed operating system. आज हम पढ़ेंगे और कुछ अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे कि हम पढ़ेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम और ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. तो एक एक करके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा काम करता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बनाया गया है, इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसके नाम से आपको क्या लग रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए सिंपल तरीके से, कि सपोज एक क्लास है, क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं लेक्चर हूं, मैं एक ही इंसान हूं और क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स का डाउट है. हर एक स्टूडेंट के पास 5-5 क्वेश्चंस हैं या फिर 6-6 क्वेश्चंस हैं. तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार में किसी एक ही स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर सकता हूँ. तो अगर मैं जो 5 स्टूडेंट्स का डाउट है, मैंने बोला कि मैं पहले फर्स्ट स्टूडेंट का सारा डाउट क्लियर करूंगा, फिर जाके सेकेंड स्टूडेंट का सारा डाउट क्लियर करूंगा, फिर जाके थर्ड स्टूडेंट का सारा डाउट क्लियर करूंगा, फिर फोर्थ का सारा डाउट क्लियर करूंगा, फिर जाके फिफ्थ का सारा डाउट क्लियर करूंगा. तो इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, कि 5 स्टूडेंट्स अपना डाउट लेके पकड़े हुए हैं, मतलब 5 डाउट लेके मतलब रेडी होके हैं कि हमें डाउट पूछना है बोल के. वैसे ही कंप्यूटर में सपोज हम मेन मेमोरी में मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम को हमारे मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करके रखे हैं कि हमें 5 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, पर सीपीयू तो एक है. तो सीपीयू अगर एक क्या करेगा, एक बार में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा. तो सीपीयू अगर एक बार में जो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, जब तक वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो सेकंड प्रोग्राम के पास जाएगा नहीं. ओके, इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि आपके कंप्यूटर के मेन मेमोरी में मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स स्टोर्ड होंगे या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हुए होंगे, पर सीपीयू एक बार में सिर्फ एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और जिस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कर रहा है, वो प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूशन खत्म ना होने तक वो सेकंड प्रोग्राम के पास नहीं जाएगा. समझ आ गया, ये है मल्टी प्रोग्रामिंग. जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि सेकेंडरी मेमोरी से हम मेन मेमोरी के पास 4 जॉब या फिर 4 प्रोग्राम एग्जीक्यूट के लिए भेज दिए हैं. तो यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं एग्जीक्यूट होने के लिए. जॉब 1 एग्जीक्यूट हो रहा था, उसको कुछ इनपुट चाहिए या फिर उसको कुछ आउटपुट दिखाना है, इसीलिए वो सेकेंडरी स्टोरेज के पास चला गया. ओके, तो जब तक फर्स्ट जॉब का काम खत्म नहीं होता, तब तक सीपीयू सेकेंड जॉब के पास नहीं आएगा. और अगर फर्स्ट जॉब अपने मर्जी से सीपीयू से निकल के जाता है, तब जाके वो सेकेंड जॉब के पास आएगा. ओके, जैसे कि सपोज एक क्लास में मैं डाउट क्लियरिंग कर रहा हूँ, तो फर्स्ट स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर रहा हूं, तो जब तक फर्स्ट स्टूडेंट का डाउट क्लियरिंग खत्म नहीं होगा, तब तक मैं सेकंड स्टूडेंट के पास नहीं जाऊंगा. और अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टूडेंट अपने मर्जी से बोलता है कि मुझे थोड़ा काम है मैं जा रहा हूं, तो उसके बाद मैं सेकंड स्टूडेंट के पास आ जाऊंगा. ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर भी ऐसे काम करता है. अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो फर्स्ट जॉब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है. अगर फर्स्ट जॉब बोलेगा कि मुझे कुछ इनपुट चाहिए, तो उस वक्त तो सीपीयू का जरूरत नहीं है उसे, तो वो क्या होगा, उस वक्त जो कंट्रोल था जॉब 1 के पास, वो कंट्रोल अब आ जाएगा किसके पास, जॉब 2 के पास. तो अभी जॉब 2 को एग्जीक्यूट करेगा कौन, सीपीयू. तो जब तक जॉब 2 खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो जॉब 3 और जॉब 4 के पास नहीं जाएगा. समझ आ गया. और जॉब 1 जो बीच में छोड़ के गया था, उसको फिर वेट करना पड़ेगा सीपीयू के टाइम के लिए, कि बाकी सारे जॉब जब खत्म हो जाएंगे, तब जाके उसका जॉब एग्जीक्यूट होगा. मतलब
फर्स्ट स्टूडेंट का सपोज मैंने 4 डाउट क्लियर किया था और एक डाउट बाकी था पर वो अपने मर्जी से चला गया था, तो मैं बाकी स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर खत्म करूंगा, उसके बाद जाके मैं फिर फर्स्ट स्टूडेंट के पास आऊंगा। इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओके, समझ आ गया। तो देखते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग इन विच ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट यूजर्स आर केप्ट साइमल्टेनियसली इन डिस्टिंक्ट एरिया इन द मेन मेमोरी। ये एक पैरेलल प्रोसेसिंग है। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब क्या कि मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स पैरेलली हम क्या कर सकते हैं, मेन मेमोरी में लाके स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स से। जैसे कि एक क्लास में मैं एक लेक्चर हूं, 5 स्टूडेंट्स पैरेलली एक बार मुझे डाउट पूछने आ गए एक साथ में, तो मैं पांचों के पांचों स्टूडेंट्स का एक बार में डाउट क्लियर कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि मैं इंसान एक हूं। वैसे ही कंप्यूटर में अगर एक बार में पैरेलली मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को हम मेन मेमोरी में दे देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सीपीयू पांचों के पांचों प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट कर पाएगा क्या? नहीं, वो मेन मेमोरी में स्टोर्ड होके रहेगा, उसको एक एक करके सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। वैसे ही क्लास में जो 5 स्टूडेंट्स डाउट लेके आए थे, वो 5 स्टूडेंट क्लास में रहेंगे, उनको मैं एक एक करके उनका डाउट क्लियरिंग करूंगा। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स से ला के उनको मेन मेमोरी के अलग अलग एरिया में स्टोर करके रखते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेन मेमोरी है, तो अगर कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट जो है कर्नेल, वो एग्जीक्यूट होगा हमारे मेन मेमोरी में। उसके साथ साथ जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में, उन सारे प्रोग्राम्स को भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में एक बार में बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ओपन कर देते हो, इसका मतलब क्या, एक बार में मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में लोड किए हो या फिर स्टोर किए हो। ओके, पर सीपीयू तो एक है, सीपीयू एक बार में एक ही ऑपरेशन या फिर एक ही प्रोग्राम को या फिर एक ही जॉब को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो क्या लिखा है कि मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर शुड बी लार्ज एनफ टू कीप सेवरल प्रोग्रामिंग। जबकि हम मल्टी प्रोग्रामिंग में तो क्या करते हैं कि मेन मेमोरी में मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके रखते हैं, तो मेन मेमोरी का साइज उतना बड़ा होना जरूरी है ताकि वो मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख सके। ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा करने का मतलब क्या है? ऐसा करने का इंटेंशन हमारा ये है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन टाइम, मतलब सीपीयू का उपयोग या फिर सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अच्छे से ज्यादा हम यूज कर सकें सीपीयू को, इसीलिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला गया। जैसे कि सपोज मैं क्लास में हूं, तो अगर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या कि मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स के पास डाउट है, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास डाउट है, तो एक एक करके अगर इस स्टूडेंट का डाउट मैंने क्लियर कर लिया, तो उसके बाद तुरंत मेरे पास और कुछ डाउट्स हैं सेकंड स्टूडेंट का, उसके बाद और कुछ डाउट्स हैं थर्ड स्टूडेंट का, मतलब मुझे खाली बैठने नहीं दिया जाए, इसीलिए डिजाइन किया गया मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ताकि सीपीयू को खाली बैठने ना दिया जाए। क्योंकि पहले क्या होता था कि सीपीयू का प्रोसेसिंग टाइम जबकि ज्यादा है, सीपीयू का प्रोसेसिंग टाइम जबकि फास्टर है, तो हम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं वो स्लोअर स्पीड में होता है, तो सीपीयू ज्यादा टाइम खाली बैठता रहता है। पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ कि जबकि हमने मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स सीपीयू में एग्जीक्यूट कर लिया, तो अगर एक टास्क कंप्लीट हो गया तो उसके लिए दूसरा टास्क रेडी होता है, मतलब सीपीयू को और खाली बैठने की जरूरत ही नहीं है, उसके पास ऑलरेडी मेन मेमोरी में मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क लोडेड करके रखा जाता है, और जिससे वो एक एक करके एक टास्क के बाद एक टास्क को लेके एग्जीक्यूट करता रहता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम निकालने का मेन रीजन ये था कि सीपीयू का उपयोग या फिर सीपीयू का यूटिलाइजेशन टाइम इंक्रीज कैसे हो, सीपीयू कैसे ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। ओके, दिस टेक्निक रिड्यूसेस द आइडल टाइम ऑफ द सीपीयू। तो ये टेक्निक जो हमने निकाला मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके वजह से क्या हुआ कि सीपीयू का आइडल टाइम जो था वो कम हो गया। आइडल टाइम मतलब क्या, खाली बैठता था जो, मतलब सीपीयू का प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा है, पर हम जो इनपुट आउटपुट देके इनपुट देते हैं उसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही स्लो है, तो काम खत्म होने के बाद जब तक उसके पास इनपुट नहीं आता तब तक वो बैठा रहता था, मतलब उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पाता था सीपीयू का। तो सीपीयू का जो
प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए या फिर सीपीयू जो ज्यादा यूज नहीं हो पाता था, खाली ज्यादा बैठा रहता था, उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम जो नया टेक्निक निकाले, उस नया टेक्निक को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सेवरल प्रोग्राम्स को हम स्टोर करते हैं मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में सेवरल प्रोग्राम को स्टोर करने से भी सीपीयू, जबकि एक है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोसेसर हो, कितना भी बड़ा सीपीयू हो, कितने भी बड़े कंप्यूटर्स में लगे हो, एक सीपीयू एक वक्त में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सीपीयू क्या करेगा, एक वक्त में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि एक इंसान क्लास में एक ही स्टूडेंट का डाउट एक बार में क्लियर कर पाएगा। ओके, तो एक स्टूडेंट का डाउट मैं क्लियर खत्म करूंगा, उसके बाद जाके मैं दूसरे स्टूडेंट के पास जाऊंगा। वैसे ही सीपीयू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टास्क को कंप्लीट करेगा, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीटली खत्म होने के बाद वो दूसरे प्रोग्राम के पास जाएगा दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बेनिफिट तो हमने देखा कि सीपीयू जो खाली बैठा रहता था, सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था, यहाँ पे सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अभी होना शुरू हो गया कि मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को हमने मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कर लिया, तो सीपीयू के पास मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क है। अगर एक टास्क खत्म हो जाता है तो तुरंत ही उसके पास दूसरा टास्क अवेलेबल हो जाता है और दूसरे टास्क को वो एग्जीक्यूट करता है। तो सीपीयू और खाली नहीं बैठता, हमेशा कोई ना कोई काम करता रहता है। मतलब सीपीयू का यूटिलाइजेशन टाइम क्या हो गया, यूटिलाइजेशन टाइम बढ़ गया। मतलब उसका जो आइडल टाइम था वो रिड्यूस हो गया, मतलब जो खाली बैठा रहता था और खाली नहीं बैठा। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है, जैसे कि मैंने क्लास का एग्जाम्पल लिया था कि सपोज मैं 5 स्टूडेंट्स का जो डाउट है जो कि एक साथ आए थे, मैं फर्स्ट प्रोग्राम को एक फर्स्ट स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर रहा हूँ, पांचवा स्टूडेंट तक जाते जाते बहुत देर हो जाएगा, तो पांचवा स्टूडेंट का टास्क कंप्लीट होने में बहुत ही लेट लगेगा, उसको मैं समझाने में उसका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उसको वेटिंग करने में। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट आया फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक था कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अलाउ करता है यूजर को एट ए टाइम मेन मेमोरी में मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम को रेसिडेंट करने के लिए, और सीपीयू क्या करता है, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम से एक एक प्रोग्राम को लेके एग्जीक्यूट करता है, और जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूशन खत्म ना होने तक वो दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब निकालने का या फिर इस टेक्निक को निकालने का मेन इंटेंशन या फिर मोटिव ये था कि सीपीयू का उपयोग या फिर सीपीयू का यूटिलाइजेशन टाइम कैसे इंक्रीज किया जा सके, कैसे सीपीयू ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, इसीलिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम निकला। पर यहाँ पे एक दिक्कत आ गई कि सपोज मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एक बार में पैरेलली आके मेन मेमोरी में स्टोर्ड है, तो अगर मैं एक नंबर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और पांच नंबर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते करते ऐसे, तो पांच नंबर प्रोग्राम का बहुत वक्त वेट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर उसके बाद और एक नया टेक्निक आया ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।